नमस्कार, मैं हूं समीर खान और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। शेखपुर ग्राम पंचायत के हरिजन मोहल्ले के सैकड़ों लोग करीब 2 माह से पानी की समस्या को लेकर परेशान हैं, क्योंकि बस्ती में 60 से 70 घर ऐसे हैं जिनको है सिर्फ एक ही हैंडपंप का सहारा और जो बंद पड़ा है। दर्जनों शिकायत करने के बावजूद भी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम गंगा प्रसाद अहरवार है, मैं शेखपुर गांव में रहता हूं। क्या है पूरा मामला? और जो हरिजन मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस मोहल्ले में, उस मोहल्ले का एक ही हैडपम्प है। तो एक हैडपम्प होने के कारण 150-200 लोग पानी भरते हैं, तो बहुत परेशानी हो रही 2 महीने से। तो PHC गए थे, तो सर बोले कि आ जाएंगे 1-2 दिन में। 2 महीने हो गए, अभी तक नहीं आए। दो वक्त फिर आए, अभी CO साहब से बात हुई है आज ही। अच्छा, तो पहले भी शिकायत गई थी आप लोगों ने? हाँ, PHE में की है शिकायत। एक ही हैंडपंप बस्ती में? एक ही है। 25 घर आस पास नहीं है? कोई आस पास नहीं है। वो हरिजन मोहल्ला छोड़ के यादव मोहल्ले में है, तो वहाँ पे जाती हैं तो अपनी हरिजन मोहल्ले की लेट से खड़ी रहती हैं। वहाँ पे क्या है कि वैसे नल के ऊपर जाएं लंड के पास, तो वहाँ पर फिर छुआछूत के कारण वो बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है वहाँ पे। तो वो इसलिए आज CO साहब से बात की है, तो CO साहब बता रहे थे कि 1-2 दिन में हो जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया है। तो अब देखते हैं 1-2 दिन बाद।